हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजयज होम किचन। मैं आपकी दोस्त नैन्सी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा रेसिपी। ये है बेसन पिज़्ज़ा विद चीज़। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, ये रेसिपी उन्हीं के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसन पिज़्ज़ा विद चीज़ की रेसिपी। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और देख लेते हैं बेसन पिज़्ज़ा विद चीज़ बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की नीड है। यहाँ पे मैंने एक कप बेसन लिया है, इसके साथ मैंने एक बड़ा चम्मच सूजी ली है, और मैंने लिया यहाँ पे दही एक बड़ा चम्मच मैंने, और यहाँ पे लिया है अजवाइन हाफ टी स्पून, इसके साथ मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट एक बड़ा चम्मच, और मैंने यहाँ पे लिया है इनो फ्रूट सॉल्ट, ये मैं आधी चम्मच यूज़ करूँगी। अगर आपके पास ये है तो आप ये यूज़ कर लीजिएगा, नहीं है तो आप इसकी जगह बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं हाफ टी स्पून। और इसके साथ जो टॉपिंग जाएगी पिज़्ज़ा के ऊपर, उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है टमाटर एक कट करके, प्याज एक कट करके, और मैंने लिया है शिमला मिर्च एक कट करके, और उसके साथ मैंने ऑलिव्स लिए हैं, ये मैंने 2 टेबल स्पून ऑलिव्स हैं ये। इसके साथ मैंने लिया है पनीर, इसको मैं ग्रेट करूँगी पिज़्ज़ा के ऊपर, और मैंने लिया है चीज़ स्लाइसेस। अगर चीज़ स्लाइस नहीं है आपके पास तो आप प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा बेस बनाना। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए मैं सारी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लूँगी। उसके लिए मैं यहाँ पे बेसन डाल रही हूँ, जो मैंने एक कप बेसन लिया था, इसके साथ डालूँगी एक बड़ा चम्मच जो मैंने सूजी ली थी वो ऐड कर दूँगी, और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो दही ली थी मैंने वो ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर, और इसके साथ मैं इसमें जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो ऐड कर दूँगी, और अजवाइन भी ऐड कर दूँगी, और इसके साथ इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट, और इसमें वाटर भी आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा, एक साथ सारा वाटर ऐड मत कर दीजिएगा, और इसका बहुत अच्छा सा एक घोल तैयार कर लेंगे। आपको ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना है, इसका जो घोल है वो थोड़ा थिक ही रहना चाहिए। और अच्छे से मिक्स करते हुए और थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते हुए मैं इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लूँगी, और ध्यान से आप इसे मिक्स करिएगा, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। और इस कंसिस्टेंसी का आपको इसको घोल तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। और ये देखिए घोल तो रेडी। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून इनो सॉल्ट ऐड कर दूँगी। इसके साथ इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस आपको थोड़ा ही मिक्स करना है, और इसमें जब ये बबल्स आने लगेंगे इसके अंदर तो हम इसका पिज़्ज़ा बेस बना लेंगे। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए मैंने एक साइड तवा रख दिया है, मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, और ये देखिए इसमें बबल्स आ गए हैं, और अब मैं इसका पिज़्ज़ा बेस बना लूँगी। बेस बनाने के लिए मैंने तवे को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और अब मैं छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ा इसके ऊपर बना लूँगी। आप चाहें तो कोई भी शेप के पिज़्ज़ा बेस आप बना सकते हैं, आप मीडियम साइज़ में भी बना सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छे बबल्स आ गए हैं और फूल गए हैं ये थोड़े से। मैं इसके ऊपर अब थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, और इन्हें आपको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता है। इसकी मेन कुकिंग तो तब होगी जब हम इसे बेक करेंगे। अभी मैंने सारे पिज़्ज़ा इस पे बना लिए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के पिज़्ज़ा मैंने तैयार कर लिए हैं। अब ये पूरी तरीके से रेडी हैं, और अब हम इनकी टॉपिंग्स बना लेते हैं, दैट मीन्स हम पिज़्ज़ा बना लेते हैं बेक करने के लिए। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिज़्ज़ा बेस ले लिया है, और अब मैं इसमें फॉर्क की हेल्प से थोड़े से होल कर दूंगी, जिससे कि हम जो भी इसके ऊपर टॉपिंग लगाएंगे वो अंदर तक चली जाएगी और ये सिक जाएगा अच्छे से अंदर तक। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून सॉस ले लिया, आप इसकी जगह पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें टोमेटो केचप लगाई है, और अब मैं इसके ऊपर जो मैंने फाइनली चॉप करके रखे थे टमाटर वो ऐड कर दूंगी। फाइनली चॉप अनियन मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, और इसके साथ मैं इसमें शिमला मिर्च भी लगाऊंगी। मैंने ये छोटे पीसेज में कट करके लगाया है, आप इसे बड़े पीसेज में भी कट करके लगा सकते हैं, और आप इसके साथ कोई और वेजी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं इसके ऊपर पनीर ग्रेट कर लूँगी, आप चाहें तो पनीर के पीसेस भी ऐड कर सकते हैं। मैं ग्रेट करके लगा रही हूँ इसके ऊपर पनीर, और आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आप चीज़ की जगह पनीर भी इसके ऊपर डाल के सिर्फ ऐसे भी इसे बेक करके पिज़्ज़ा की तरह इसे खा सकते हैं। तो पनीर तो मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से ग्रेट कर दिया, और अब मैं एक चीज़ स्लाइस इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, आप इसकी जगह प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ मैं लगाऊँगी थोड़े से ऑलिव्स, ऑलिव्स इसमें ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं, पर इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है पिज़्ज़ा के ऊपर। और इसकी जगह आप जेलेपिनोज़ भी लगा सकते हैं। और अब मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑरिगेनो सीजनिंग,
और आप इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग जो आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो लगा दिया मैंने ओरिगेनो सीजनिंग। अगर आपके पास ओरिगेनो सीजनिंग नहीं है तो आप उसकी जगह ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आप ब्लैक पेपर पाउडर ही यूज़ करना चाहिए। तो ये तो हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। अगर आप इसे बेक कर रहे हैं अवन में तो आप इसे 200 डिग्रीज पे उस पर बेक कर लीजिएगा। बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक तवा ले लिया है और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दूंगी। आप घी अवॉइड कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा बेस रख दूंगी, ये जो मैंने पिज़्ज़ा तैयार किया था, और अब मैं इसे कवर कर दूंगी। कवर करने के लिए पहले मैंने ये लिड देखी थी पर ये इसके ऊपर सेट नहीं हुई, लिड नहीं आई इसके ऊपर, तो मैंने इस टाइप से एक बाउल ले लिया और उससे मैंने उसे कवर कर दिया। और इस टाइप से मैं इसे बेक कर लूँगी। मैं इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए बेक करूँगी और आपको इसे सिम गैस पर बेक करना है। 5 मिनट्स के बाद एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। जब तक वो बेक हो रहा है तब तक हम एक और पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बेस ले लिया और उस पर थोड़ा सा सॉस लगा लूँगी, फिर वही सेम अनियन उसके ऊपर निश कर दूँगी, उसके साथ टोमेटो डाल दूँगी और इसके ऊपर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा शिमला मिर्च भी ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे और वेजीज भी इंक्लूड कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग ऐड कर रही हूँ, आप ये भी अवॉइड कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो। और इसके साथ मैं थोड़ा सा इसमें ऑलिव्स लगा दूँगी और मैं चीज़ लगा रही हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो इस जगह पे पनीर ग्रेट करके लगा सकते हैं अगर आप चीज़ वेट लॉस जर्नी में अवॉइड करते हैं तो, बट चीज़ भी हेल्दी होता है। और अब अपना पिज़्ज़ा भी चेक कर लेते हैं कि वो हो गया या नहीं। थोड़ा ध्यान से आप इसे उठाइएगा क्योंकि ये स्टील का है तो थोड़ा गर्म होता है। तो ये देखिए, मैं आपको क्लोजअप से दिखा देती हूँ, देख रहे हैं कितना यम्मी हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है और बहुत ही क्रिस्पी भी बनता है ये पिज़्ज़ा। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उससे कट कर सकते हैं, नहीं है तो आप मेरी तरह नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं कट करने के लिए। तो मैं इसे अभी कट कर लेती हूँ 4 पीसेज में। ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है और हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ था। तो आप भी इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हों, अच्छी लग रही हों, तो मेरे वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग मेरे वीडियोस देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।